नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मेरे देश के सभी साथियों को, पूरे देश की जनता को इस पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को पता है कि बीते 4 वर्षों से हम लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको कि कभी किसी ने समझा ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी सामाजिक संगठन ने। प्राइवेट कंपनियों की लड़ाई, जिनको कि भारत सरकार द्वारा अनुमति देने के बाद कार्य किया गया, फिर उनको अचानक 15-20 साल बाद बंद कर दिया गया। आज वही लोग, एजेंट और निवेशक, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? जिम्मेदारी लेने के लिए पूर्णतः कोई भी तैयार नहीं है। ना गवर्नमेंट का अभी तक स्टेटमेंट इस प्रकार का आया कि इसमें हाँ सरकारें दोषी हैं क्योंकि वही अनुमति देती हैं। इस तरह का कभी किसी ने नहीं कहा। दोषी कौन है आप समझदार हैं? दोषी कौन है जिसने कार्य किया? केवल फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो, यह अंग्रेजी हुकूमत के समय से चला रहा है। वह चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, किसी भी स्थिति में फूट डालो और राज्य करो। आज वही हुआ, कंपनियों को बंद कर दिया गया तो फूट किस में पड़ी? निवेशक और एजेंट। क्योंकि कंपनी मालिक तो बहुत बड़े स्तर के रहे, उनसे तो एक छोटा एजेंट मिल तक नहीं सकता, बात तक नहीं कर सकता। बड़े सीनियरों और छोटे जूनियरों के बीच फूट पड़ी। तो यह फूट जो डली, इसका फायदा गवर्नमेंट उठाती है क्योंकि उन्हें मालूम है ये आपस में लड़ेंगे, हमसे लड़ने की इनकी औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं। इनकी ताकत जो है इनका वोट है, और वो हम समय आने पर अपने हिसाब से डलवा लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी को राम मंदिर के नाम पर, किसी को मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, सबको उलझा कर रख दिया। आंदोलन से घबराए, राजनीतिक दल का निर्माण हुआ तो इन्होंने लोगों को फिर से लाइन में लगा दिया। नोटबंदी की तरह, जैसे नोटबंदी जब की गई तो भाजपा सरकार को सीधा सीधा इसका लाभ मिला कि विपक्षी पार्टियों के नोट अंदर रह गए और आपके पास पहले से आ गए, आपने अपना चुनावी काम किया। इसी प्रकार से आज निवेशक और एजेंट को फिर से फूट डालने पर मजबूर कर दिया कि यदि कुछ लोगों का पैसा मिल जाता है ऑनलाइन से, जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, जिनकी रिसीट से, उनका तो पता ही नहीं। मेरे पास इतने फोन आते हैं, सर इसमें क्या होगा, सर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास रिसीट से हमारा नॉमी नहीं, कितनों के जवाब दें, हमने इंक्वायरी ऑफिस खोल रखा है। इंक्वायरी ऑफिस है, अरे यार हम लड़ रहे हैं जैसे आप लड़ रहे हो, आपका एजेंट, आपका सीनियर, आपको कोई बताने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश से यहाँ मेरे पास फोन आते हैं या राजस्थान से फोन आते हैं, क्या राजस्थान के जिले में कोई भी एजेंट नहीं है? आप सोच कर देखिए कि स्थिति कितनी है कि हम अपने सीनियर के भी टच में नहीं है, या सीनियर फोन नहीं उठा रहा तभी तो फोन आते हैं। भिन्न में बिहार से फोन आ रहा है, अब भाई बिहार का बंदे की मैं मदद कैसे कर सकता हूं किसी बात में, आप बताइए। वह बंदा ग्राहक अपने एजेंट से नहीं बात कर रहा, एजेंट उससे नहीं बात कर रहा, एजेंट अपने सीनियर से नहीं बात कर रहा। सोचिए कितनी स्थिति खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और अभी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करे हैं, मान लो इतना देश का पैसा है 6 करोड़ लोगों का, यदि उसमें सपोज करो 1 करोड़ लोगों को पैसा मिल गया, बाकी ये 5 करोड़ क्या जीना हराम कर देंगे? आपके अगर 100 ग्राहक हैं और 10 को पैसा मिल गया तो 90 आपका क्या हाल करेंगे? आप सोचिए, जो स्थिति शायद 100 के न मिलने पर होती वो 10 के मिलने पर उससे ज्यादा हो जाएगी। हम अभी नहीं समझ रहे, कई ग्रुपों में देखता हूं अभी भी भक्त बने हुए हैं लोग, उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं कल सभी ग्रुपों से इसलिए लेफ्ट हो गया,
कि शायद अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आप लोगों को लड़ाई के बारे में समझा पाऊँ या लड़ाई में अपना कोई रोल ले पाऊँ। रही बात अफरोजाबाद की, फिरोजाबाद का भी 23 मार्च को 23 अप्रैल को इम्तिहान है, हो जाएगा कि कितने लोग साथ हैं और कितने नहीं। तो जब तक लोग अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे, आज हम एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग प्रचार करने में लगे हैं, क्या वाकई में हम दिल से भारतीय लोक सेवा दल का प्रचार कर रहे हैं? ये अपने जमीर से पूछो। हमारे पास फोन है, क्या हम कभी अपील डालते हैं कि भारतीय लोक सेवा दल के लोग आते हैं सामने? क्या एक भी, कितने लोग गिने चुने, अगर कुछ 10-15-20 लोग कर रहे होंगे, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग एंड्रॉयड फोन पर कहते हैं कि नहीं मैं भारतीय लोक सेवा दल के साथ हूँ, मेरा वोट भारतीय लोक सेवा दल के प्रत्याशी के लिए है? जहां से नहीं है प्रत्याशी वो दूसरे का प्रचार कर क्या कर रहे हैं? किसी संगठन ने किया? मैं देख रहा था कल कई संगठनों के लोग जो कि भाजपा के विरोध में हम लोग इतने समय से लगे हुए हैं, मुझे दुख इस बात को तक भाजपा का विरोध कर रहे हैं इतने समय से कि हम इनको मतलब, लेकिन कुछ लोग आज भी भाजपा के प्रत्याशियों को माला पहना रहे हैं। आप सोच के देखिए कि कितनी भयावह स्थिति, हमें पता ही नहीं है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है वो वाकई में वो हमारे साथ है भी है या नहीं। एक और हम भाजपा को विरोधी कह रहे हैं भाजपा के कारण हमारा परिसर, और दूसरा में भाजपा के प्रत्याशी को ही माना पहना है। सोच के देखो, और बड़े लीडर विश्वास किस पर किया जाए? बात ही अगर विश्वास, अगर हमारा कोई दुश्मन है, मान लो हम आज भाजपा विरोध कर रहे हैं, तो हमें तो मतलब ही नहीं होता। हम जिन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात ईमानदारी किससे निभाई जाएगा? अगर एक एजेंट से पूछा गया तो क्या वह अपने सभी निवेशकों के पास गया कि फिरोजाबाद से या प्रत्याशी है या मथुरा से रामदेव गौतम, ये उनके एजेंट सभी जगह जा जाकर अपने निवेशकों की जिम्मेदारी निभाएंगे? चुनाव में खड़े होना, चुनाव को लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, अब कौन कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है या क्या वह स्वार्थ रख के जिम्मेदारी निभा रहा है? अगर लोग कहते हैं कि अमित गर्ग, रामदेव गौतम जी, अमेंद्र पाल जी खड़े हुए तो भाई ये नेता बनेंगे, तो ठीक है भाई, आपको अगर ऐसा लगता है तो ये लड़ाई कोई मायने नहीं रखती है। यदि आपको नहीं लगता कि हम लोग इतने परिवारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, और आपको लगता है कि हम लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका निर्णय भी 23 मई को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 2 महीना रखा, जब हमने इतना संघर्ष किया, इतना प्रयास किया है, तो 2 महीने और हम लड़ लें। 23 अप्रैल को फिरोजाबाद में चुनाव है, 19 मई को संगरूर पंजाब में चुनाव है, मथुरा में चुनाव है 18 को, कोई दिक्कत नहीं है। फैसला 23 मई को हो जाएगा कि हम लोगों ने जिनकी लड़ाई लड़ी वह क्या चाहते हैं। और 23 मई के बाद यकीन मानना, आज मैं लिख कर दे रहा हूं, इनमें से एक व्यक्ति भी इस लड़ाई में सहयोग नहीं करेगा, एक व्यक्ति भी। यदि जनता ने, एजेंटों ने, सीनियरों ने साथ नहीं दिया, और शायद जो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने गांधीगिरी दिखाई, एजेंटों की निवेशकों ने लड़ाई लड़ी, हमने इतना कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग शायद 23 मई के बाद, और जो बिल लागू हुआ उसके बाद, शायद आज 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह जी को आज के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने सूली पर चढ़ाया था, तो आज के दिन मैं ये बात कह रहा हूं, तो शायद बहुत से लोग कहीं भगत सिंह ना बन जाए जो सूली पर लटकने को मंजूर हो जाएंगे, लेकिन बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि तो लोगों का जमीर नहीं जग रहा है। मैं कह रहा हूं, आज भी बहुत से सीनियरों का जमीर नहीं जग रहा, संगठनों के लीडरों का जमीर नहीं जग रहा, दूसरों के घर में जाकर दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। साथियों, यही कहूंगा, अगर वाकई में आज भी वक्त पर हमने वक्त को न समझा तो फिर समझने से कोई फायदा नहीं। यही कहूंगा मैं कि मैं भी थक चुका हूं, लास्ट लड़ाई है मेरी, 23 अप्रैल को चुनाव है फिरोजाबाद में, अगर जिम्मेदारी दी है तो इसे भी निभाऊंगा। सहयोग आप करें न करें, कितना वोट आएगा, कितने लोग बाकी में दिल से लगेंगे, तन मन धन से लगेंगे, ये भी पता चल जाएगा। तो चुनाव बातों से नहीं होता है, लोग कहते थे हम तन मन धन से साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, कैसे साथ हैं?
अभी तक किसी ने फोन करके ये नहीं कहा दो चार लोगों को छोड़ कर, सर बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप क्या नहीं कर सकते, आप बताइए, इतने सारे पूरे देश की लड़ाई है, हम कुछ सहयोग नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये दो महीने के बाद इस लड़ाई का निर्णय हो जाएगा, आप मदद करें सहयोग करें, आप इस लड़ाई को समझें ना समझें बहुत कुछ होगा, बस मैं यही कहूँगा कि अगर निभाना है तो जिम्मेदारी जमीर को जगाकर ईमानदारी के साथ निभाइए और इस लड़ाई को जिंदा रखना है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई नेता नहीं समझेगा, आप चाहे किसी के भी गुड़गा लेना, किसी को भी माला पहना लेना। जय हिंद जय भारत। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।